एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू लाइफ विद सोना। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। तो अभी शाम के हो गए हैं 6:30 और गाइस मैं आज 5 बजे आ गई थी घर पे। उसके बाद मैंने फटाफट आने के बाद खाना वाना बनाया और सारा काम फिनिश किया और उसके बाद मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया जो मेरे साथ में ही है, वर्क करती है। उसने मुझे बोला कि यार मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। वैसे तो वो आज छुट्टी पे थी तो मुझे लगा हो सकता है नॉर्मल तबीयत हो रही हो। तो उसका फोन आया, बोले यार तुम आ जाओ प्लीज़, मुझे बॉटल इंजेक्शन लगा दो। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि मैंने उसको फिक्स कैसे की। उस दिन मैंने अम्मा जी को भी फिक्स करके दिखाई थी लेकिन गाइस वो ठीक से वीडियो शूट नहीं हो पाया क्योंकि और वो हाथ बहुत ज़्यादा हिला रहे थे, तो आप लोगों को शायद समझ में नहीं आया होगा। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ पूरा वीडियो शेयर करूंगी कि मैंने फिक्स कैसे किया और अच्छे से दिखा भी पाऊंगी ताकि आप लोग समझ भी पाओ। और गाइज आने के बाद तो खाना वाना बना और मैंने सोचा खाना खा लूँ लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। तो गाइज मैं आप लोगों को बताती हूँ मैंने खाने में क्या बनाया है। मैंने खाने में बनाया है बाफले, दाल और यह है सैलेड। तो गाइज खाना तो हम बाद में खाएंगे आके, पहले चलते हैं क्योंकि मरीज पहले ना गाइज। हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी पेशेंट, पेशेंट का काम सबसे पहले, उसके बाद खाना पीना। भूख तो बहुत जोरों से लग रही गाइस क्योंकि मॉर्निंग में सुबह 12 बजे खाना खाती हूँ, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाती दिन भर, फिर शाम को डायरेक्टली खाना खाती हूँ। तो मैंने खाना बना लिया, मैंने सोचा मैं आके कब बनाऊंगी। तो गाइस चलो देर नहीं करते हैं, उसके घर चलते हैं, फिर उसके घर जाके मैं आप लोगों से बात करती हूँ, ठीक है। चलने के लिए तो रेडी हो चुके हैं लेकिन ये कौन पहनेगा? अगर ये नहीं पहना तो आपको कोई भी रोक लेगा और रोकने के बाद तो फिर पता ही चालान कट जाएगा। क्योंकि मेरे पास अभी देने के लिए बिल्कुल भी इतने पैसे नहीं है कि मैं यार मैं चालान के पैसे दे दूं, इसलिए सबसे पहले ये पहन लेते। आप लोग सोचते होंगे ना यार गाइस कि यार जब देखो जब वाइट एप्रिन, मैं खुद भी बोर हो गई हूँ, इसे पेन पहन के परेशान हो गई हूँ, लेकिन क्या करूँ यार गाइस, पहनना पड़ता है ना। उस वजह से मेरी कई सारे ड्रेसेस भी नहीं दिखती है। तो गाइस वो तो क्या, मैं अभी घर आ गई थी इसलिए मैंने इसको उतार लिया था, सारा काम किया, वापस से इसे पहनना पड़ेगा। तो चलिए गाइस इसको पहन लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। वैसे तो मेरी फ्रेंड ने बोला था कि यार तुम यहीं आ जाओ, खाना वाना यहीं खा ले। मैंने कहा नहीं यार, किसी को परेशान नहीं करते, ऑलरेडी वो बीमार है, उसके घर वाले पहले ही परेशान हैं। तो मैंने सोचा नहीं मैं खाना वाना बना के उसके बाद आऊँगी। तो बस गाइस पहन लिया मैंने वाइट एप्रिन, जो आप लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा ना, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है यार गाइस। ये है तो मेरी पहचान है, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सच कहा ना मैंने। अगर मेरी बात से आप लोग सहमत हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि वाइट एप्रिन है तो ही मेरी पहचान है ना, या ऐसे भी। वैसे तो आप लोग मुझे नहीं पसंद करते हो यार, मैं नॉर्मल वीडियोस डालती हूँ तो कोई भी मेरी वीडियो नहीं देखता, ऐसा क्यों करते हो यार गाइस? मैं नॉर्मल वीडियो डालती हूँ तो प्लीज़ मेरी नॉर्मल वीडियोज़ भी देखा करो ना यार। अरे हॉस्पिटल के अलावा भी तो मेरी कोई लाइफ है, वो भी आप लोग देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलो चलते हैं गाइस, ज़्यादा देर नहीं करते, बहुत बातें हो गई। फाइनली गाइस मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ पे पहुँच गई हूँ और उसे मैं कैनूला फिक्स कर रही हूँ। जी हाँ गाइस, आप देख सकते हो ये 22 नंबर का कैनूला है जो मैं इसे लगा रही हूँ। और गाइस इसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, उसके मतलब ये पहले से डर गई थी कि यार मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आराम से लगाना। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने इसको यहाँ पर कैनूला फिक्स कर दिया है और ये बहुत ज़्यादा रो रही थी, बोल रही थी यार प्लीज़ तू आराम से लगा, क्या करती यार गाइस। उसको रोना रोता हुआ देखकर मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था लेकिन मैं भी क्या करूँ यार गाइस, लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना यार, उसको ठीक जो करना है। वैसे उसको फीवर वगैरह कुछ नहीं आ रहा था, बस नॉर्मल सा वॉमिटिंग वगैरह हो रहा था और पेट दर्द हो रहा था, बाकी कुछ भी नहीं गाइस। तो आप यहाँ देख सकते हो मैंने यहाँ पर फिक्सर की हेल्प से उसे अच्छे से कवर कर दिया है। तो मैंने आपको जब मैंने अम्मा जी वाली वीडियो आपके साथ शेयर करी थी तो शायद उसमें आप लोगों को ठीक से अच्छे से नहीं समझ में आया होगा कि फिक्स कैसे करते, इसलिए मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं आप लोगों के साथ एक बार और इसे शेयर करूं ताकि आप लोग भी अच्छे से इस चीज़ को समझ पाए। तो गाइस आप लोग यहाँ देख सकते हो एक इंजेक्शन था जो मुझे आईवी देना था, बस मैं वही उसको दे रही थी, उसके बाद मैं इसमें बॉटल कनेक्ट कर दूंगी। मैंने इसको पहले यहाँ पे आरएल दे दी थी जो नॉर्मल ऐसे ही दे दी थी, उसके बाद मैंने इसको डीएनएस कनेक्ट कर दी थी, उसमें मैंने इंजेक्शन वगैरह भी डाल दिए थे और ओंडास्ट्रोन मैंने इसको डायरेक्टली आईवी दे दिया था क्योंकि इसका उसको वॉमिटिंग वगैरह ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है यार उसको डायरेक्ट आईवी दे देते हैं, और पॉलीबियन था शायद इंजेक्शन तो वो भी मैंने उसमें ऐड कर दिया था बॉटल के अंदर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं सारे इंजेक्शन
रेडी कर रही हूँ और नाम पढ़ती जा रही हूँ यार गाइस, कि कौन कौन सा मैंने डाला है, कौन कौन सा क्या करा है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे बार बार ये पूछते हो ना कि दीदी ये आप ये कौन सा इंजेक्शन डाल रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तो मैं ये सब चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से देख लेना। क्योंकि यार छोटी सी वीडियो में मैं सारी चीज़ें नहीं ऐड कर सकती, क्योंकि बहुत कम टाइम की वीडियो होती है और मुझे सारी चीज़ें इसमें ऐड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं कुछ कुछ चीज़ें ही आप लोगों को बता पाती हूँ। इसलिए प्लीज़ आप ऐसे कमेंट मत करिए यार जिसका जवाब मैं नहीं दे सकती। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरे लिए पॉसिबल होती है, वो ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और आप लोग देख सकते हो साइड में भैया बैठे हुए। जी हाँ गाइज, ये मेरी फ्रेंड के ब्रदर हैं जो वहीं पे बैठे और देख रहे थे कि यार दीदी आप कैसे क्या करते हो, मैं भी देखता हूँ, क्या पता मैं भी सीख जाऊँ। तो गाइज, मैं अपनी फ्रेंड को यहाँ पे समझा रही हूँ कि बेटा रोती नहीं, मेरा अच्छा बच्चा। अपना ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना और टेंशन मत लेना, सब ठीक हो जाएगा। होटल लगा के तो आ गए हैं, उसके बाद मैंने चेंज भी कर लिया और खाना भी खा लिया। और आपको पता, एक प्रॉब्लम हो गई है, मेरा कूलर हो गया है ख़राब। पूरा उसको खोल के देख लिया, पहले तो चल गया था, वापस से बंद हो गया है। तब वही कोशिश कर रहे हैं गाइस, चल नहीं रहा, और इतनी गर्मी में मुझे नींद नहीं आई। चाटा मार दूंगा, मेरा लेना मत ये। गाइस ये हमारे कूलर ठीक करने वाले भैया है। भैया कूलर ठीक कब होगा? मैम एक बार तो कर चुका हूँ आपके कूलर को, वापिस से ठीक करो। अगर मेरा कूलर ठीक नहीं हुआ तो मैं किसे सोऊंगी रात भर गाइस? किसने बोला था इसका तार खींचने को? गाइस मैंने नहीं खींचा, वो गलती से खींचा गया यार, अब मैं क्या करूं? मुझे गर्मी में बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी, और अगर नींद नहीं आई मैं ऑफिस कैसे जाऊंगी सुबह? खतरों के खिलाड़ी, उसमें से तो निकालो। करे तारा, अबे कभी आ जाए तो मैं मर जाऊं तो वहां से निकालो, उसमें से निकालो भाई। ए भाई मेरी जीवन ज्यादा कीमती है, ये तो कूलर ठीक हो जाए। हमारे यूट्यूबर जानते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मेरा कूलर ठीक हो रहा है, पूरा कूलर खराब हो गया है, हमें परेशान हो रही हूँ गाइस, जल्दी से ठीक हो जाए नहीं तो मेरे को नींद नहीं आई रात भर। और हमारे कूलर वाले भैया बिल्कुल पैसे वैसे कुछ नहीं लेंगे, फ्री में काम करेंगे ये। क्यों भैया पैसे लोगे क्या आप? ड्राइवर भी बना लो, कूलर सुधारने वाला भी बना लो, कल तक खाना ही बनवा लेना। गाइस आपने सुना, आप लोग के यहाँ पे भी कूलर खराब होता है, खाना बनवाने का काम होता है, तो इनको जरूर बुला लेना, ये सब काम कर देंगे। देखिए गाइस इनको, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है। गाइस ये जो कूलर सुधारने वाले भैया है ना, ये गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, तो ये गाना सुनाओ ना हमारे सब्सक्राइबर को, हमारे फ्रेंड्स लोगों को गाना भी सुना दो आप। गाने सुनना तो मेरे इंस्टाग्राम रील्स पर जाना। हाँ इनके इंस्टाग्राम आईडी पे आप जरूर जाना, वहाँ पे देखना ये गाने भी गाते हैं अच्छे अच्छे, आज से ही शुरू कराया सचिन। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा, घर में रहिए, सेफ रहिए। तो टेक केयर गाइज, बाय बाय।